हाय एवरीवन मेरा नाम है मे गौतम और हमारे चैनल डिवाइन एस्ट्री यूनिवर्स में आपका बहुत बहुत वही तो सबसे पहले तो जो हमारी व्यूअरशिप है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है उसके लिए सबसे पहले हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आप हमारी जो वीडियोस को हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं और इसी के साथ जो हमारी वास्तु कंसल्टेंट गंग मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट लामा फेरा डॉक्टर खुशी आप यहाँ पर हैं मैं ये कहना चाहूंगी डॉक्टर खुशी की yes. लोगो को आपके वीडियोज बहुत पसंद आ रहे हैं और साथ ही आपकी पॉपुलैरिटी हम कह सकते हैं कि काफी बढ़ रही है क्योंकि अभी हाल ही में आपने रियल वन द रियल वन चैनल के साथ काम किया yes. और कार्मिकृतर के साथ आपने काम किया टीवी टी चैनल के साथ किया तो काफी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और उसी के साथ काफी सवाल भी हमारे पास लोगों के आ रहे हैं जो आपसे कुछ जानना चाहते हैं कुछ सीखना चाहते हैं yes. तो आप बताइए की इन दिनों में आपका किस तरह से चीजें चल रही है इस तरीके से चीज़ें चल रही कि आजकल काफ़ी ज़्यादा जो लोगों की जो काफ़ी परेशानियाँ थी वो काफ़ी सारे जो इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें जो है पता चल चुकी है और काफ़ी सारे जो ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी जो जनरल एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो हमारे जो है ये पॉडकास्ट में आना चाहते हैं जो हम ज़रूर जो है इन पॉडकास्ट में लेके आएंगे नेक्स्ट जो जिनकी भी साथ वीडियो रहेगी और कुछ बहुत सारा ज्ञान का भंडार है आ, मतलब आप कह नहीं सकते कि ज्योतिष शास्त्र में इतना ज्ञान का भंडार है कि आप ज्योतिष शास्त्र से भी बहुत सारे उसमें दस से पंद्रह पैटर्न जो है ना ज्योतिष शास्त्र में भी आते हैं अच्छा। जो हमें अभी तक नहीं पता है वो सारे जो चीज़ें जो है ना हमें और तरीके से और बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजी से भी पता चलेगी Uh, मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे और पॉडकास्ट में जाके जो है मुझे काम करने का मौका मिला इसके लिए मैं सबको थैंक्स कहूँगी और जैसे कि हमारा पॉडकास्ट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है लोगों को पसंद आते जा रहा है और लोगों से पसंद की बात तो छोड़ो मतलब नॉर्मली बात ऐसी दिखी जा रही है कि सब लोग थैंक्स कह रहे हैं कि हमें ये बहुत सारी बातें पता नहीं थी जो आपके माध्यम से पता चल रहा है रेमडीज से भी रेमेडीज़ से तो फ़ायदे मिल रहे ही रहे क्योंकि काफ़ी सारे रेमेडीज़ पहले भी जो मेरे क्लाइंट्स थे वो कर चुके थे और ये काफ़ी जितने भी हमने रेमेडीज़ बताए हैं तो उनको काफ़ी उनको लाभ मिला है और काफ़ी सारे चीज़ें जो है वो खुद ही जो है जो भी ओकल साइंस से थे जो काफ़ी टाइम से जो है कह सकते हैं कि रेडिंग्स कर रहे थे या फिर ओकल साइंस में थे काफ़ी सारे जो काम कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी नहीं थी कि हम किसी की परेशानी कैसे सॉल्व करें तो जिनको जैसे कि ये मेरा यहाँ पे जो एक प्लेटफॉर्म फिर से बन रहा है कि हम क्या करें कि जो भी ओकल साइंस में काफ़ी टाइम से काम करे पर तो भी उनको क्लैरिटी नहीं आ रही कि सामने वाले कि आप रीडिंग कैसे कर सकते हैं उनके लिए आप हीलिंग कैसे सेक्शंस ले सकते हैं उनकी हीलिंग्स कैसे की जाती है उनके प्रॉपर कैसे जो है प्लानिंग से जो है अपने उनके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं तो इसके लिए जो है हमारे माध्यम से जो है हम इसके क्लासेस जो है स्टार्ट कर चुके हैं और ये क्लासेस जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वैसे भी हम डाल देते हैं तो अगर किसी को करना है तो वहाँ पे जाके जो हियरिंग सेक्शन और कहीं ना कहीं अवकोल साइंस है और बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो हमारा चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो डॉक्टर खुशी ऐसा करते हैं क्योंकि आजकल काफी हम देख सकते हैं कि वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म्स पे नजर आ रहे हैं और इतनी सारी वीडियोस में आप ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे, दे चुके हैं तो आज का जो वीडियो है क्यों ना हम एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र के ऊपर ही रखें आप खुद इतनी सारी जो है लर्निंग्स जानती है और yes. इतनी सारे तरीकों से आप जो एस्ट्रोलॉजी में है लोगों की परेशानियां सोल्व करती हैं तो आज उसी टॉपिक को हम उठाएंगे और उसी के बारे में बात बताएंगे कि किस तरह से इसको किया जाता है तो शुरू कर ज्योतिष शास्त्र जो आ चुका है वो कृष्ण जो परशुराम ने जो इनकी जो है भग, गीता लिखी थी वहाँ से ज्योतिष शास्त्र का जो है आगमन हो चुका है भगवद गीता से ही जो माध्यम इनका हो चुका है इनके साथ ही साथ चीज़ें ऐसी होती गई है कि आप पाम रीडिंग ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आप कर सकते हैं आपकी नाड़ी रीडिंग जैसे आपने कभी सुना होगा कि आपके हाथों की नस देख के जो है जैसे कि यहाँ पे आपकी नस देख के जो है आपकी पूरी जो है बॉडी के औरा के बारे में अपने के फ्यूचर के बारे में बता देते हैं काफ़ी सारे ज्योतिष शास्त्र से जो रीडिंग जो पाम रीडिंग ये कॉमन हो गई ज्योतिष शास्त्र से ही रिलेटेड है नाड़ी रीडिंग्स हो गई और एक होता है कि कृष्ण पद्धति केपी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और साथ ही साथ जो जिसको कहा जाता है पूरा ज्ञान का भंडार जो होता है समुद्र की तरह उसके लिए आता है खास करके वैदिक वैदिक जो है बेसिक जो है एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा माना गया है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी काफ़ी सारे लोगों को सीखनी चाहिए अच्छा। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है आप जब भी कुछ नया उसमें देखेंगे और कुछ नया पढ़ेंगे उसमें और चीज़ आपको उभर के आएगी और कुछ नया चीज़ आप देखते रहेंगे ये गणित पूरा जो है ज्योतिष शास्त्र का जो पूरा गणित जो होता है ये आता है आपके लिए जैसे कि नौ बारह और सत्ताईस इस नंबर से जो है आप जो है पूरी कैलकुलेट करते हैं थ्री सिक्सटी डिग्री की जो है बारह जो है आपके जो हाउस होते हैं थ्री सिक्सटी बारह के हाउस में आप घूम फिर के वहाँ पे चीज़ें आप इतनी घूम फिर के चीज़ें देख सकते हैं कि आपके हर प्लानट के अनुसार आपके हर तिथि के अनुसार हर टाइमिंग के अनुसार आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं पर हाँ पर एस्ट्रोलॉजर अगर जन्यवन रहा तो और उसको रुचि रही तो या फिर ऐसी चीज़ हो जाती है ना कि आप सीख तो लेते हो फिर उसमें रुचि नहीं पर जितना सीखा है उतना ही ध्यान में रखे जो है अगर आप किसी की रीडिंग करते हो तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम तो रीडिंग करके आ चुके पर हमें इतनी रीडिंग का फ़ायदा नहीं हुआ ज्योतिष शास्त्र जो है वो कुछ काम में नहीं आता या फिर ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास जो है वो कहीं ना कहीं फीका है तो ये कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर को खुद ही जो है ध्यान देना चाहिए कि जिसकी वजह से क्लाइंट जो है हमसे जो है रुट के ना जाए

आपके नेचर को देखा जाता है आपका नेचर कैसा है जैसे कि उनमें डिग्रीज भी होती है कि को भी कहते हैं ना कि आपका सूर्य उच्च का है सूर्य नीच का है ये चीज कही जाती है एक सवाल मैं बीच में आपसे पूछना चाह रही हूँ ये किस चीज से पता करते हैं नाम से पता करते हैं टाइम ऑफ बर्थ से पता चलता है राशि से पता चलता है किस तरह से पता पूरे अकॉर्डिंग चीजें होती है तीनों की तीनों तीनों के तीनों अगर आप अकॉर्डिंग चीजें जैसे कि आपका नाम नाम के साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आपका जो टाइम होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है फिर बाद में आपका प्लेस जो चारों जो बातें होती हैं वो इकट्ठा की जाती है फिर बाद में अगर आप टाइम डेटा पर अभी तो सॉफ्टवेयर का ज़माना आ गया पहले तो ये जो है हाथ से कुंडलियाँ बनाते थे तो अभी सॉफ्टवेयर में जब आप डालते हैं तब भी जाके जो अगर आपका डेट और टाइम कन्फर्म है तो उसी अनुसार जो आपकी पहले लगन राशि आएंगी और फिर चंद्र राशि आएगी जैसे कि लगन राशि जो होती है वो आपका बेसिक नेचर होता है यस जैसे कि आपके बेसिक नेचर में जो है आपकी जो नेचर जो हो वो बेसिक नेचर आपका हरदम मरते दम तक रहेगा चंद्र का जो राशि होती है जो चंद्र राशि जैसे जैसे आपको इमोशंस फील होना जैसे कि आप काम में कैसे हो आप लव रिलेशनशिप में कैसे हो आपके फैमिली के साथ आप कैसे अटैच हो तो वो आपकी राशि बताती है चंद्र की राशि अगर आप इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो चंद्र राशि से जो कुंडली देखी जाती है और फॉरेन कंट्री में जो सूर्य राशि से जो है कनेक्ट की जाती है जैसे जिस हमको कहते हैं कि सूर्य माँ का जो है हम लगन देखते हैं वो सूर्य लगन से जो है फॉरेन कंट्री में जाके जो है अपनी जो है राशि से हिसाब से जो है उनकी कुंडली देखी जाती है वहाँ पे लगन कुंडली चलती है, पे चलती है।, यह है। यहाँ पे चंद्र कुंडली चलती है ये दोनों में डिस्टेंस है यहाँ पर यह चीज़ होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम इमोशनली हम माता से कनेक्टेड है जो हमारी माँ है गाय माता हम जिनकी सेवा करते शास्त्रों से ही चलते आ रहे हैं अभी कह जाता है कि नहीं यशोदा माँ का पुत्र श्री कृष्ण पिता का नाम नहीं लिया जाता है अगर हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें हो चुकी जब मुग़ल आए थे उन्होंने जो है जैसे कि पिता के नाम जो रखने जो स्टार्ट कर लिए थे हर बच्चे के पीछे तो तब से जो है हम पिता के नाम से ही जो है जाने जाते पहले तो ये था कि माँ के नाम से जो बच्चों को जाना जाता था हिस्ट्री अगर आप देखेगी तो तो ये चीज़ होती है कि भारत माँ को जो पहले से जो है फीमेल्स की एनर्जी से जो जाना जाता है यहाँ पे सारे देवी देवता का वास हो चुका है देवी देवता के वास के साथ अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे इमोशनली एनर्जी कनेक्ट होती है इमोशनली एनर्जी कनेक्ट होने के बाद ये चीज़ होती है ना कि आप हर चीज़ों की सेवा करते हो दान करते हो पुण्य करते हो माँ का स्वभाव क्या रहता है कोई भी घर पर आ जाए उसको भूखा नहीं भेजेंगे तो हमारे घर पर वो रीत है ना कि कोई भी आ जाए तो हम उसको भूखा पैसा नहीं भेजते हैं ठीक है कहीं दान पुण्य करते हैं। वो फॉरेन कंट्री में इतनी चीजें नहीं होती हैं अगर आप देखोगे तो तो हमारे यहाँ पे चीज़ें कि कुछ दो तो मतलब किसी का भला करने लिए के लिए दो ठीक है अगर किसी का भला करोगे तो आपका भला होगा ये रीत हमारे यहाँ पे है तो हमारे कहीं ना कहीं यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन जुड़ते हैं कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जैसे कि गंगा माँ है यमुना माता है नर्मदा माता है सारी माताओं का जन्म जो है यहाँ पे हो चुका है और हाँ एक वाटर एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है हमारे भारत में है अगर आप फॉरेन कंट्रीज जाए तो फॉरेन कंट्री में क्या हो जाता है कि आप जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंड से रहोगे सूर्य माँ जो है कभी कभी मतलब बहुत कम दिखने लग जाता है ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पर ऐसी सब लोग प्रैक्टिकल है किसी के इमोशनल के साथ कनेक्ट नहीं होते नॉर्मल ऐसे जैसे होते हैं कि एकदम स्ट्रिक्ट अपने जैसे कि काम के फोकस रहना है अभी अभी बहुत सारा बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है कि जहाँ पे जो है फॉरन कंट्रीज़ के लोग जो है इंडियन कल्चर अपनाने लग चुके हैं कहीं ना कहीं इमोशनल होके जो है अपने लाइफ में आना चाहते हैं एक कनेक्टिविटी परिवार होना परिवार होना संबंध होना रिश्तेदार होना जो है वो वहाँ पे भी अभी स्टार्ट हो चुका है पर यहाँ पे चीज़ें पहले से स्थित है इसलिए चंद्र राशि से यहाँ पे लोगों को जो है परखा जाता है और यहाँ पे जो कुंडली राशि जो निकलती है वो चंद्रमा की राशि से ही चीज़ें निकलती है अगर खास करके अभी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है कि आप चंद्रमा के ऊपर काम कीजिए चंद्रमा मतलब पिता मतलब माँ जो अगर माँ का, का कंडीशन ऐसी देखी जाती है अगर माँ पीड़ित है पीड़ित मतलब जैसे कि पहले के जो लोग थे कि कहीं ना कहीं जो भी बेटियां होती थी उनको पीड़ित किया जाता था तो अगर वो पीड़ित है तो आपका चंद्रमा हर बच्चे का खराब होगा यस yes. तो अभी अभी जो है लेडीज़ को जो बोलते ना कि राइट्स मिल रहे हैं जो हर चीज़ काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं एक बोलते ना कि कहीं ना कहीं पीसफुल एनर्जी से अब भी वुमेन जितने काम कर रहे हैं अभी आप अब अभी अगर आप अपने बच्चों की बात करेंगे ना तो जैसे कि मेरे बच्चों के बारे में अगर मैं खुद के अगर बच्चों के बारे में बात करूंगी तो मेरे बच्चों का चंद्रमा वीक नहीं है क्योंकि माँ स्ट्रांग है अगर माँ स्ट्रांग है आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ रह रही है तो आपके बच्चे भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेंगे खास करके अगर बच्चा अगर डगमा कर रहा है परेशान हो रहा है इमोशनली ड्रेन होते जा रहा है अनस्टेबल है तो गलती माँ की है यस yes, अगर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ पा रहा है कॉन्फिडेंस लेवल में दिक्कतें आ रही है खिंचक हो रही है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को लेकर फेस करना पड़ रहा है तो उसके लिए जो प्रॉब्लम्स जो को जो को बोलते हैं ना सॉल्व करने के लिए खास करके चीज़ें यहाँ पे आएगी कि पिता का कारक जैसे कहते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है तो आप सूर्य माँ को पानी दो जल दो जी। पर मैं इसके लिए मना कर देती हूँ ज्योतिष शास्त्र में मैं कहती हूँ कि सूर्य माँ को अर्घ दो जल दो वो अच्छी बात है शास्त्रों के अनुसार पर मुझे ऐसा लगता है कि आप जल देने से नहीं क्या कहीं ना कहीं आपका सूर्य माँ इतना स्ट्रांग नहीं होता है जो आप सोच रहे हो आप सीधा ऐसे कर सकते हैं जब आपके घर पे पिता है तो पिता की सेवा करो पितरों की सेवा करो जो पितरों चुके पितरों की सेवा करो खास करके कोई मंदिर में जाके गेहूं दान दो जब गेहू दान देते हैं तो गेहू दान से क्या होता है? कि आपका वैसे ही स्ट्रांग हो जाता है अगर आप चावल दान करते हो तो चावल से चंद्रमा स्ट्रांग होता है, है अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं और नहीं लग पा रही है तो ये उपाय कर हैं सकते कर सकते हैं और खास करके माता पिता से ही हमारा सबसे पहला कनेक्शन होता है आ, तो ये ज्योतिष शास्त्र में खास करके चीज़ें कही गई हैं शास्त्रों के अनुसार अगर कही गई चीज़ें क्या होती है कि पूरे नाइन प्लानट जो होते हैं ना हमारे बहन भाई बुध का कारक मतलब हमारा हर चीज़ें जो है ना एक प्लानट के अनुसार जुड़ चुके हैं जैसे कि हमारे पति एक गुरु का कारक वाइफ जो होती है शुक्र का कारक होता है तो हमारे प्लानट्स के अनुसार जो है हमारा परिवार बनता है पहले से परिवार हमारा बनता गया है यस जैसे कि पंडित लोगों का कहना है जहाँ पे अपने अपने परिवार को संभाल लिया अपने परिवार को एक अपनी मुट्ठी में कर लिया मतलब नहीं हम आप एक साथ रह रहे हो तो आपने पूरा जग जीत लिया अगर आप पूरा परिवार संभाल पाए हो तो जैसे मुझे किसी ने एक बार कहा था मंदिर जाने के बाद कि आपने हर किसी की इच्छा पूरी की है परिवार में तो जो चेहरे पे आपकी झलक जाती है तो जो परिवार को जीत चुका है वो सारी जग जीत चुका है तो उसके लिए कोई भी चीजों के लिए रुकावटें होती नहीं है तो आप ये दान करो वो दान करो कोई जरूरत नहीं है माता को खुश रखो पिता को खुश रखो जैसे मामा को खुश रखो कहीं ना कहीं मामा और जैसे कि अपनी मामी भी होती है उनको खुश रखो बहन भाई को खुश रखो बच्चे को खुश रखो वो खुश हो रहे नहीं हो रहे उनकी चिंता है जी। आप तो कोशिश कर सकते हो यस yes. इसका मतलब ये है कि इससे पहले कि आप बाहर जाएं कुछ करें दूसरी को ट्राई करें उससे पहले जो आपका अपना खुद का परिवार है आप उस ध्यान रखें yes. माता पिता की आप सेवा करें और परिवार के सभी लोगों को आप यस यस yes. yes, जैसे कि कोई कोई कहता ना हमारे माता पिता आपको पता नहीं आपको मेरे बेटे के बारे में पता नहीं बेटे के बारे में पता नहीं बहन भाई के बारे में पता नहीं वो पता हो ना हो देखो कोई भी परिवार में चीज़ें ऐसी होती है कि हम भी इतने सालों से परिवार संभाल ही रहे थे कि कहीं ना कहीं देखो सास है सास अपना बिहेवियर करेगी माँ अपना बिहेवियर करेगी भाई बहन अपना बिहेवियर करेंगे बच्चे अपने बिहेवियर करेंगे तो हमें उनके साथ अपने काम को लेकर पॉजिटिव रहना है ठीक है अगर उनकी चीज़ें कोई नेगेटिव भी आती तो उनको रिमूव कर दो खत्म कर दो पर इतना भी नहीं देना है कि जरूरत से ज़्यादा उनकी केयर करना है अगर आप ओवर होने लगे और अपने बोलते हैं कि हमारे ऊपर हावी हो जाए अगर आप किसी की मदद करते हो तो वो सोच समझ के की मदद कीजिए सबकी मदद कीजिए सबसे प्यार से रहे अगर वो लड़ भी लेते तो आप प्यार से रहना आपका काम है क्योंकि आपकी चीज़ें खराब हो सकती है उन कारण के अनुसार तो इसलिए नाइन प्लान को अगर ठीक करना है तो अपने परिवार को ठीक करें सबसे पहले अहम चीज़ होती है फिर बाद में अगर आप कुछ दान करते हो कुछ टोनी करते हैं या फिर कुछ मंत्र उच्चारण करते हो बात की बात है तो सत्ताईस नक्षत्र भी जो होते हैं जैसे कि शिवलिंग होता है शिवलिंग के ऊपर मैं हर बार कहती हूँ कि आप जो है ना रुद्राभिषेक कर लीजिए ठीक है जैसे पंचामृत से उनका स्नान कर लीजिए अभिषेक कर लीजिए कहा जाता है जब भी हम अभिषेक करते हैं रुद्राभिषेक करते हैं तो सत्ताईस नक्षत्र शांत होते हैं नौ प्लैनेट्स भी शांत होते हैं हमारे नौ ग्रह जो है वो भी शांत होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो शांति से हमारे लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जो भी परिवार में भी दिक्कतें आ रही है आप कर्म के अनुसार जो है आपके परिवार में जो भी दिक्कतें आ रही है आपके वजह से या फिर उनके वजह से आपको आ रही है वो सारी चीजें खत्म होने लग जाती है यस इसलिए कहा जाता है कि शिव जी को बड़ा महत्व दिया गया है कि इनमें हम जो है ना पूरे हमारे नक्षत्र और प्लेनेट को लेकर शांत करने की चीजें हम इसमें ला सकते हैं यस yes. तो अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे ज्योतिष विद्याएं होती है अलग अलग तरीके की और एक रीडिंग भी इसमें हम देखते हैं मिलती है तो अलग 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 विद्याओं में सेम ही रीडिंग रीडिंग आती है या उनकी रीडिंग भी अलग नहीं।, नहीं ये विद्याएं नहीं कही गई ज्योतिष शास्त्र जो है ना जैसे नाड़ी ज्योतिष शास्त्र में मैंने कहा केपी कहा और जैसे कि कहीं ना कहीं ये ज्योतिष शास्त्र वैदिक ज्योतिष शास्त्र ये तीनों एक ही है, है। पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में और केपी एस्ट्रोलॉजी में रूल्स बने गए हैं कुछ रूल्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रूल्स और नियम बिल्कुल भी नहीं है हर प्लेनेट एक अच्छा और बुरा प्रभाव देता है जैसे मैंने माता पिता की बात की जैसे कि जिनका सन अच्छा होगा सन एक्टिव होगा सन अच्छा होगा तो क्या रहेगा कि बहुत एटीट्यूड से बात करेगा डोमिनेट भी करेगा आपसे जो चाहे वो काम करवा सकता है लोगों लोग जो है उनकी प्रशंसा करेंगे बुरा ही नहीं करेंगे अगर वो बुरा भी होगा तो भी उसी मतलब उतनी प्रशंसा करेंगे उनकी तारीफ करेंगे ये सूर्य जिनका स्ट्रांग रहता ना वो चीज़ होती है और कहीं ना कहीं अपने पिता पिता का ही काम करने के जो इच्छुक होते हैं माँ जैसे जो है चंद्रमा चंद्रमा जो होता है ये माँ के कारक होते हैं जो इनसे माँ माता से अच्छे से प्यार से बातें हो रही कोई कोई कहता है ना कि मैं अपने माँ से बहुत प्यार करता हूँ तो अपने माता से जो अगर प्यार करते हैं अपने पत्नी का ख्याल रखते हैं ठीक है थीके? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी हो जाती है कि चंद्रमा को ये ठीक कर रहे हैं और चंद्रमा इनका जब ठीक होता है तो ये बहुत इमोशनली बैलेंस होते हैं बोलते हैं ना इमोशनली अनस्टेबल नहीं होते ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनकी स्टेबिलिटी से ये काम करते हैं ये जो भी काम करने के लिए जाएंगे तो डगमगाएंगे नहीं एक फोकस करके इनका काम रहेगा साथ ही साथ चीज़ें इनकी ऐसी हो जाती है जो मंगल मंगल का जिनके अंदर जो प्रभाव होता है जैसे कि मंगल का जो प्लैनेट्स होता है ये ये नंबर जो आ गया है नाइन नंबर के हिसाब से जो मंगल का जो प्रभाव होता है ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्सेल होते हैं थोड़े वक्री स्वभाव के होते हैं इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है ऐसी एनर्जी होती है जो हनुमान की एनर्जी हो मतलब कोई अगर इनके साथ भीड़ गया जिनका मंगल जिनका स्ट्रांग रह जैसे जो मांगलिक जिसे कहते हैं इनके साथ कोई भीड़ गया तो वो ये होता है ना कि पूरी दुश्मनी निकाल के छोड़ेंगे ये पहले बात तो किसी को बोलते हैं ना कि गुस्से से कुछ बोलते नहीं पर इनको किसी ने कुछ बोल दिया तो ये छोड़ेंगे नहीं फिर तो आप ऐसे कहोगे कि हनुमान ना कहा नाम लोगे कि हमारे पीछे क्या चीज़ें पड़ गई तो इतने स्ट्रांग होते हैं और इंटेंशन इतनी इनकी स्ट्रांग होती है इनको जब चाहे उतने ही टाइम पे इनका काम चाहिए इनको मंगल वाले काफ़ी एक्टिव होते हैं इनकी एक्टिविटी ऐसी होती है कि ये सोलह सत्रह घंटे काम कर सकते हैं इतनी हाई एनर्जी होती है इनकी जो मांगलिक होते हैं और ख़ास करके इनको जैसे जो भी कहते हैं ना कभी कभी कि मांगलिक इंसान को मांगलिक ही पत्नी पति का जो है दर्जा दिया गया है तो उनको वही चाहिए उनसे ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि इनकी एनर्जी जो हाई एनर्जी होती है ना वो कोई संभाल नहीं सकता ये हर काम में रुचि में आगे बढ़ने वाले मेहनत करने वाले और काफ़ी सफलता से आगे बढ़ के अपने काम करने वाले जुनून काफ़ी ज़्यादा होता है हर चीज़ का जुनून होता है अगर इन्होंने ठान लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करके ही रहेंगे खास करके जो अगर कहा जाए शनि जो कह दिया होता है कि एट नंबर पे आता है तो शनि का कारक जैसे कि आप कह दोगे कि कहीं कहीं बोलेंगे कि शनि वाले हमको कहते हैं एनी टाइम हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और हमारे हाथ में कु कुछ नहीं आता अभी कुछ नहीं आता वो कारण ये है, आता है आप खुद ही अपने नंबर को डोमिनेट कर ले क्योंकि एट नंबर जो है ना आपको मेहनत काफ़ी करवाता है काफ़ी करवाएगा पाँच छः साल तक मेहनत करवाएगा फिर उसके बाद पाँच छः साल जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देगा इतना ज्यादा लाभ देगा कि अमेजिंग मतलब आप बोलते हैं ना कि आप संभालते संभालोगे नहीं पर आपको मेहनत तो करनी आनी चाहिए तो आस yes, ये तो चीजें होती होती है खास करके अगर आपने देखा होगा की घर का साउथ जो डायरेक्शन होता है ना ये भी कहा जाता है शनि डायरेक्शन होता है यस अच्छा। yes, जहा पे हम क्या कहते हैं कि अभी हनुमान को जो लगाना स्टार्ट कर चुके हैं घर का अगर किसी के घर पे साउथ डायरेक्शन है तो वो मैं उनको कहूंगी कि पाँच साल तक आपको जितनी मेहनत करनी है उस घर पे पाँच साल तक आप भाड़े से लेते हो रेंट से लेते हो खुद का भी लेते हो पाँच साल तक इतनी मेहनत कर लीजिए उस घर पे या फिर जो आपकी शॉप है घर है पाँच साल तक बहुत अच्छे तरीके से मेहनत से आप काम कर लीजिए इमोशनली ड्रेन हो गए ड्रिंक पीने का भी मन करेगा नॉनवेज खाने का भी मन करेगा बहुत सारी चीज़ों में भड़काएगा पर आपने अपने मन के ऊपर बोलते हैं ना कि कंट्रोल कर लेना है शनि ये करवाता है अगर आपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया अगर आप ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाया अगर आप ड्रिंक नहीं करें तो क्या होता है कि आपको साउथ इतना देखे जाएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे पाँच साल में आपकी इतनी तरक्की होगी कि फिर बाद में आप उन्हीं चीज़ों को छोड़ के फिर से उसी जगह को छोड़ के आप फिर से साउथ डायरेक्शन पर घर मकान ले सकते हो शॉप ले सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट का फायदा है ये कहते हैं कि शनि खराब है मैं कहती हूँ कि शनि से शनि के अलावा कोई अच्छा प्लानिट्स नहीं है क्योंकि जितनी मेहनत करवाता है उतनी मेहनत से आप कहीं ना कहीं बहुत कोसों दूर जो है ना काम की एक लगन काम की एक जुनून आपको जो आगे बढ़ जाता है Yes. और उसके लिए वही है है कि पहले हमें खुद को सही रखना जरूरी शनि नींद भी करवाता है शीर शनि जब भी आता है लाइफ में जैसे शीर शनि की साड़ी साथी हो तो शनि नींद भी दिलवाता है अगर कहीं गोचर में जो है अगर आपके शनि आ जाए तो आपको काफी ज्यादा नींद आएगी आपको नींद ज्यादा दिलवाएगा आपको ऐसा लगेगा कि बस सोते रहे पर अगर आपने अपने आप को संभाल लिया ये कहता है ना कि शनि आप अपने आप को संभालो अपने कर्म करो फल की चिंता ना करो तो पर तो आपको फल मिलेगा।, तो मिलेगा साथ ही साथ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आपको अगर जैसे मैं बात करूँ कि बुध की जो बुध जो होता जो हमारे जो है बच्चे के कारक होते हैं तो बुध बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा बुध खराब है तो बुध खराब है तो मैं कहूँगी कि आप क्या काम कर रहे हैं पहले वो चीज़ देख लीजिए ठीक है अगर आप राहु से रिलेटेड काम करें तो आपको बुध की जरूरत नहीं है बुध क्या करता है कि आपको क्लाइंट को खींच के लाता है अगर आपकी शॉप है अगर आपका ऑफिस है तो क्लाइंट नहीं आ रहे क्लाइंट को लेके दिक्कतें आ रही तो बुध का उपाय कीजिए यस अच्छा। yes. तो तब बुध का उपाय करना है तो क्या करना है कि गाय को हरा चारा खिलाना है गौशाला में जाना है अपने वजन एक क्विंटल के हिसाब से एक एक किलो नहीं चढ़ाना है बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम एक एक किलो चढ़ाते एक एक किलो नहीं चढ़ाना है एक क्विंटल चढ़ाना है आप हर मंथली में एक क्विंटल जाके चढ़ा के आ जाइए नहीं चढ़ाने हो जाता तो पैसे गौशाला में जाके या फिर पैसे दे के आ जाइए ज्यादा पैसे नहीं लगते गौशाला में एक क्विंटल चढ़ाने के लिए तो वो चीज़ करें सबसे बेस्ट है पन्ना पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको ये सबसे बेस्ट रेमेडी है मैंने जिनको भी कहा है कि उन्होंने ये चीज़ें की है अगर मैं कहती हूँ कि घर पर जो गौशाला जो आती है मतलब गौ आती है आपके घर पर जो गाय आती है उनको जो वो कहते हैं कि हम लोग नहीं क्या गुड़ रोटी खिलाते तो गुड़ रोटी खिलाओ पर गुड़ रोटी कब खिलाओ जब ठंड मौसम होता है बाकी अदरवाइज़ आप पालक खिलाओ अभी जैसे इतनी गर्मी है मे मंथ हो गया अप्रैल मंथ हो गया मार्च मंथ से जो है मार्च मंथ से गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है जो जून मंथ तक तो होती है ठीक है तब तक जो है आप उनको हरा चारा खिलाओ जैसे कि पालक खिलाओ बाकी और भी जो चीजें आती हो आप हरी चीजें कुछ भी खिला सकते हो तो आप हरी चीजें जितना खिलाओगे उतनी चीजें आपकी ठीक होती जाएगी यस और बाकी अगर आप बात की जाए तो जैसे गुरु की जो तीन नंबर पे आता है गुरु का कारक जो है जैसे कि गुरु ये चीज़ें करता है कि आपका अगर गुरु स्ट्रांग है तो आप किसी पर्टिकुलर किसी को गुरु बना लोगे या फिर जैसे कि जो संत आ चुके उनको गुरु बना लोगे तो ये चीज़ आपके साथ चलती है आप भगवान को बहुत कम मानोगे गुरु से रिप्रेजेंट ज़्यादा चीज़ें करोगे और जैसे कि ये कहोगे कि ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव नहीं करोगे दूसरों को नॉलेज देना दूसरों को ज्ञान देना दूसरों को ज्ञान का भंडार बांटना एनी टाइम हाँ हम हम कभी कभी सोचते हैं ना ये क्या बंदा एनी टाइम हमें लेक्चर ही देते रहता है जिनका तीन नंबर होता है ये एनी टाइम लेक्चर देते रहेंगे यस ज्ञान बांटने की आदत होती है और कुछ भी अब अप, अपने अंदर जो कमी होगी तो इनको देखते ही तक नहीं है ये खास बात होती है ये बुरी बात होती है उनके अंदर कि अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही जो है देखते रहेंगे पर सामने वाले को कहीं ना कहीं ज्ञान ज़्यादा वर्जित करेंगे जैसे होते हैं कि जो मास्टर जो होते हैं ना वह अपनी छोड़ो पर तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स हो रही है तुम्हें क्या किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है नहीं भी आ रही है तो भी उस चीज़ में दिक्कत आ रही है वो चीज़ बताएंगे गुरु का कारक ये चीज़ होती है मतलब गुरु जो होता है ना अगर गुरु जिनका स्ट्रांग रहा तो वो पढ़ाने की रुचि में रहेगा खुद होके पढ़ाएगा अभी और खुदों के भी और खुद होके ज्ञान भी बांटेगा हर चीज़ का नॉलेज उनके पास रह सकता है ठीक है जो राहु का जो नंबर है जिनका नंबर चार आ जाता है जब हम राहू केतु की, तो की बात करें तो जिनका नंबर राहु का जो नंबर होता है जिनका राहु ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो जो एक्टिव मेंबर जो होते हैं ना वो एक्टिव चीज़ें ऐसी होती है कि वो मल्टीपल काम करेंगे तीन से चार जो है मल्टीपल काम करेंगे जिनका राहु एक्टिव ज़्यादा हो जाता है अगर राहु जिनका ज़्यादा एक्टिव है तो सोशल मीडिया पे जाना कहीं ना कहीं इंटरनेट से काम करना डिजिटल मार्केटिंग हो चुका है फ्री लाइसेंस हो चुके हैं जैसे हम कहेंगे शेयर मार्केट की चीज़ें हो चुकी हैं हाँ शेयर मार्केट की चीज़ें बोल सकते हैं ये सारी चीज़ें जैसे कि कहीं ना कहीं हम जो है ना नेटवर्किंग का काम करें इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी जो है बेचना है जैसे माइक हो गए कैमरा हो गए मोबाइल्स हो गए लैपटॉप्स हो गए ये सारी चीज़ें बेचना तो जिनका राहुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है वो ये काम करेंगे पॉलिटिक्स में भी जाने के लिए राहु की जरूरत पड़ती है और खास करके मंगल की ज़रूरत पड़ती है अगर जिनका मंगल स्ट्रांग है और जिनकी जो राहु की कंडीशन स्ट्रांग है वो जो है पॉलिटिक्स में फर्स्ट नंबर पर फर्स पे आ सकता है यस और जैसे कि केतु का कारक सेवन नंबर सेवन नंबर जो है ना केतु का कारक होता है केतु क्या होता है जो धड़ से अलग होता है मतलब उनको सिर्फ होता है कि सर नहीं होता है सिर्फ धड़ ही होता है तो बहुत ही सॉफ्टली होते हैं बहुत ही इमोशंस होते हैं उनको कल की चीज़ें कुछ पता नहीं होता उनको ऐसे होता है कि कोई दिमाग देगा तो ही दिमाग में कुछ चीज़ें आएगी चारे, हाँ चारे, उनकी कुछ होती है। वो नहीं चलाते दिमाग बिल्कुल नहीं चलाते वो मन के कारक उनको ऐसा लगता है कि कोई साथ हमारे सा... साथ नंबर सात वाले उनको लगता है कि कोई हमारे पास आके बैठे हमको हर चीज़ का ज्ञान दे वो हर चीज़ राय पे मांगेंगे हर चीज़ राय मांगेंगे कि मुझे ये सिर्फ करना है करूँ कि नहीं करूँ वो दस बार कन्फ्यूज़ रहेंगे क्योंकि मन का कारक है मन क्या करता है विचलित होता है चंचल होता है मन भटकाते रहता है तो उनके लिए ऐसे चीज़ होती है कि मैं कहीं भी भी करती हूँ कि आप अपने माता पिता से गाइडेंस लो अगर आपको कुछ भी करना है तो अगर माता पिता अच्छे तो ठीक है अगर नहीं है तो किसी गुरु के गाइडेंस ले लो मतलब कहीं एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले लो तब जाके आपके जीवन में खुशहाली आएंगी तब जाके आप चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें कर पाओगे तो जो केतु जो मेम्बर्स होते हैं इनकी एक ही चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है ये जो चाहे वो कर सकते हैं अगर ये चाहे ना कि मुझे अभी बीएमडब्ल्यू लेनी है ये पाँच साल के अंदर बीएमडब्ल्यू ले सकते इतनी बड़ी ताकत इनमें होती है जुनून काफी ज्यादा होता है दिमाग से काम नहीं करेंगे मन से काम करेंगे ये कौन वाले सेवन नंबर वाले सेवन नंबर वाले केतु वाले अगर ठान ले तो बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं अगर ना ठारें तो कुछ भी नहीं जैसे कि कहा जाता है राहु केतु से रिप्रेजेंट हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी काफी अच्छी सी चर्चा होती है जो केतु से रिप्रेजेंट है वो एस्ट्रोलॉजी में ही जाएंगे और जो राहु से प्रेजेंट है वो टेरो कार्ड रीडिंग में जाएंगे जैसे टेरो कार्ड रीडिंग वाले जो होते हैं जिनका राहु स्ट्रॉन्ग होता है वो जाते हैं और जिनका केतु स्ट्रांग है वो एस्ट्रोलॉजी करता ही करता है जो केतु की दशा में आती चीज़ें या फिर कहीं ना कहीं राहू की दशा में जो है टेरो कार्ड रीडिंग सीखनी चीज़ें आ जाती है ये दोनों कॉम्बनिकेशन सेम है तो साथ ही साथ और एक नंबर जो खास करके लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है जो नंबर आ गया है शुक्र शुक्र मुझे महालक्ष्मी का नंबर महालक्ष्मी हर किसी को महालक्ष्मी चाहिए होती है तो ये नंबर जो है ना जो शुक्र का नंबर जो ग्लैमरस लाइफ में लेके जाता है जो ग्लैमरस चीज़ों में लेके जाता है जो आपकी ब्यूटी को बढ़ाता है ठीक है जो आप जो भी मॉडलिंग हो गई है अब जैसे अभी हम पॉडकास्ट भी करके कहीं ना कहीं हमारा शुक्र स्ट्रॉग होगा ठीक है यस yes. तो ये चीज़ होती है ना कि जो जिनका शुक्र का नंबर होता है वो ग्लैमरस फिल्म में जाएगा जो एंकरिंग करेगा जो मॉडलिंग्स भी कर सकता है जो फिल्म इंडस्ट्री में आ सकता है एस्ट्रोलॉजी में भी छः नंबर आए तभी जाके चीज़ें होती है जैसे टेरो का रीडिंग के लिए भी छः नंबर चाहिए ही होता है यस yes. और एस्ट्रोलॉजी के लिए साथ में अगर मैं कहूँ तो तीन नंबर भी होना चाहिए ज्ञान का भंडार बांटने के लिए यस yes. तो ये चीज़ें दोनों जो है ना कम्बाइंड करके चीज़ें होती है जो शुक्र का जो नंबर होता है इनका चीज़ इनकी चीज़ एक अलग होती है ये काफ़ी थोड़े से इमोशनली भी होते हैं काफ़ी प्रैक्टिकली भी होते हैं पर एक कभी कभी ऐसे होता है ना कि जब इमोशनल काफ़ी ज़्यादा अगर इमोशनल चीज़ें बढ़ जाए तो इनको ये भी चीज़ें पसंद नहीं आती पर ये चाहते तो कि इनके लाइफ में चीज़ें इमोशनली भी बनी रहे छः नंबर वाले पर ये काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं उनको ज़्यादा नहीं क्या ये चीज़ पसंद नहीं आती खास करके चमचे बनना ये किसी के चमचे नहीं बन सकते ये चीज़ होती है बॉस वाली बॉस वाली रहना पसंद होती है ये कहते हैं कि हम जितना आगे बढ़े उतनी चीज़ें अच्छी हैं और हमसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता ये ये थोड़ी सी थीम जो आती है ना ये फर्स्ट नंबर के साथ आती है जो फर्स्ट नंबर वाले की पर्सनैलिटी होती है सेम डोमिनेटिंग नेचर अपने एटीट्यूड में रहना और ज़्यादा करके किसी से बात नहीं करना वही सिक्स नंबर की पर्सनलिटी भी वही चीज़ें शो करती है और कभी भी आपने देखना है कि सिक्स नंबर वाली पर्सनलिटी के साथ फर्स्ट नंबर वाली पर्सनलिटी काफ़ी मैच करती है ये दोनों चीज़ें और मंगल साथ में मंगल जब नौ नंबर आता है ये तीनों कमेंट जो है ना सारी चीज़ें एक जैसे ही है इनका नेचर लगभग एक जैसे ही है मैं में रहना मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ तुम क्या करते हो मुझे लेना देना नहीं है मतलब ये किसी के लेने देने में नहीं रहते शुक्र का नंबर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है बहुत ज़्यादा हाईएस्ट में रहता है इनको प्रैक्टिकली चीज़ें पसंद है ये इमोशनली भी होते हैं पर इमोशनली रिश्तों को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाते हैं ये जिस रिश्ते में पड़ जाते हैं रिश्ते जल्दी से छोड़ते नहीं है ये सिक्स नंबर वालों का नेचर होता है यस तो ये काफी नंबर्स के बारे में हमने जाना थोड़ा सवाल हमारा यहाँ पर व्यूअर्स का है और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बहुत सारे लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ इस तरीके की, की चीजें नहीं पता होती है तो क्या ऐसे लोगों की कुंडली बनाई जा सकती है यस बनाई जाती है जैसे कि बाकी लोग तो शायद बहुत सारे लोग टाइम और प्लेस मांगते हैं बट जैसे कि हम जो है इनकी एक कुंडली के अनुसार जो इनकी जो है काउंसलिंग कर लेते हैं काउंसलिंग करने के बाद इनके नेचर को जान लेते हैं इनके बातों के जरिए से इनके नेचर के ज़रिए से इनके हाव भाव के जरिए से इनकी बॉडी की पर्सनैलिटी के अनुसार हम इनके नेचर को जान लेते हैं कि इनका कौन से हाउस में कौन से घर पे जो इनके हाउस हो सकते हैं कौन से मतलब चंद्रमा कौन से हाउस में होगा सूर्य कौन से हाउस में होगा ये सारे प्लानिटरी हम चीज़ें देख लेते हैं फिर उसके बाद जो है हम इनका टाइम और जैसे कि डेट ऑफ बर्थ भी जो है कन्फर्म कर लेते हैं और इनका जो है प्लेस भी जो है हम कन्फर्म कर लेते हैं तो ये चीज आप बिहेवियर से जज करते हो यस अच्छा, यस तो बिहेवियर से जैसे कि एक घंटे में हम काउंसलिंग जो हमें करनी होती है वो हम कर लेते हैं